नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज सिंह, स्वागत है आपका ग्रीन टेक टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, टैली के अंदर आपको जो है बैकअप लेना है, रिस्टोर करना है कुछ चीज़ या फिर बैकअप लेना है तो आप कैसे लेंगे, तो गेटवे ऑफ टैली में यहाँ पे टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको बताता हूँ। गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे तो आप सोचेंगे कि तो हमने काम कर लिया, सुबह से लेकर शाम तक काम कर लिया, उसका बैकअप कैसे ले, ठीक है, बैकअप लेना है तो कैसे ले, सेफ साइड लेने के लिए। तो बैकअप वैसे हर दिन शाम को ले लेना चाहिए काम करने के बाद, ताकि कोई भी डेटा मिस वो हो जाएगा, करप्ट ना हो गया हो, ठीक है, करप्ट ना हो जाए, इसकी वजह से बैकअप सेफ साइड लेके हम चलते हैं, कहीं पे भी कंपनी में काम करें या पर्सनल काम करें कुछ भी, ठीक है। तो आपको टैली का बैकअप लेना है तो कैसे लेंगे, अगर आपको नहीं पता है तो ये पता होना ज़रूरी है टैली में अगर आप काम करते हैं तो, ठीक है। तो गेटवे ऑफ टैली में यहाँ पर आ गए, उसके बाद यहाँ पर वैसे सेम प्रोसेस है जहाँ से हमने क्या बोलते हैं उसको पासवर्ड चेंज किया था वही सब। तो यहाँ पे कंपनी इन्फो में जाएंगे या फिर अल्ट प्लस F3 प्रेस करेंगे, कंपनी इन्फो में जाएंगे, यहाँ पे देखिए क्या होता है, लिखा हुआ है बैकअप एंड रिस्टोर, बैकअप एंड रिस्टोर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो बैकअप करेंगे तो बैकअप हो जाएगा, रिस्टोर करेंगे तो रिस्टोर में हो जाएगा, ठीक है, जो डेटा कुछ भी करप्टेड हुआ होगा, उड़ गया होगा कुछ भी, तो रिस्टोर हो जाएगा। तो फिलहाल हम यहाँ पर बैकअप दिखाते हैं आपको, तो बैकअप यहाँ पर लेने के, यहाँ पर बैकअप पर जाएंगे, एंटर दबाएंगे, ठीक है, एंटर दबाते ही बैकअप ये यहाँ पर पूछ रहा है, कंपनी है यहाँ पर तीन, देखिए राइट साइड में 1 2 3, ठीक है, ये अलग अलग कंपनी है, तो किसका बैकअप लेना चाहते हैं, अगर मल्टीपल कंपनी है 1 2 3 4 जो भी है, तो वो पूछता है कि किसका बैकअप लेना चाहते हैं। तो अगर कोई पार्टिकुलर एक कंपनी का लेना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके एंटर दबाएंगे, या फिर इसका लेना चाहते हैं दूसरी कंपनी का, ऊपर वाले का नहीं तो यहाँ दबाएंगे, या फिर आप चाहते हैं कि बैकअप जो है सारे कंपनी का, जो भी कंपनी, अगर इस लिस्ट में और भी कंपनी अगर आपने खोल रखा है, मेंटेन बहुत सारी कंपनी अगर खोल रखा है, कुछ भी है, मल्टीपल कंपनी है मतलब, तो आप ऑल आइटम पे क्लिक करेंगे, नहीं मतलब अपने आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे, और यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट का और नो का ऑप्शन है, एक्सेप्ट यस करेंगे या नो करेंगे, तो यस करेंगे, पासवर्ड मांगेगा, तो हमने जो पासवर्ड लगा रखा है वो पासवर्ड मांगेगा, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तीन कंपनियाँ, इसलिए तीन बार पासवर्ड मांग रहा है क्योंकि हमने तीनों पर पासवर्ड लगा रखा है, ठीक है, अगर पासवर्ड नहीं लगाया रहता है तो फिर ऑटोमेटिक हो जाता है फिर, लेकिन हमने पासवर्ड यहाँ पर लगा रखा है तो इसीलिए जो है तीन बार मांगेगा अलग अलग कंपनी का पासवर्ड। देखिए 0% हो गया, 50% से अधिक हो गया, अब ये लास्ट पासवर्ड मैं डालूंगा तब जाके ये 100% हो जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, पासवर्ड डाल दिया, एंटर दबाएंगे तो यहाँ पर ओवरराइट बैकअप फाइल बता रहा है, क्यों, क्योंकि हमने कुछ देर पहले ही बैकअप लिया था, ये वीडियो बनाने के पर्पज़ से आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, इसीलिए जो है ओवरराइट बैकअप फाइल कर रहा है, तो ऑलरेडी फाइल जहाँ पे है वो बैकअप हो चुके हैं, तो वो कहते हैं कि ओवरराइट करना है इसको, तो मैं कहता हूँ यस, अगर आपने अगर नहीं लिया है बैकअप तो ओवरराइट का ऑप्शन नहीं देगा, सिंपल यस करेंगे तो बैकअप हो जाएगा, तो हमें क्या करना है, यस करना है, तो हम ओवरराइट कर देते हैं, क्या दिक्कत है, बैकअप लेने कोई परेशानी है नहीं, तो यस करने के लिए या तो माउस के बटन से यहाँ पर यस करेंगे या फिर एंटर दबाएंगे, तो आपका ये बैकअप यहाँ पे कंप्लीट हो गया। रीस्टोर करने के लिए भी रीस्टोर यहाँ पे कर सकते हैं, एंटर दबाएंगे, ठीक है, अब देखते हैं क्या प्रोसेस होता है। अब रीस्टोर किसका करना है, अगर अलग अलग कंपनी का करना है या फिर पार्टिकुलर एक कंपनी का करना है या ऑल कंपनी करना है, तो हमें क्या करना है, मैं आपको बताने के पर्पज़ से मैं क्या करता हूँ, ऑल कर देता हूँ, एंटर दबाएंगे और ये एक्सेप्ट करेंगे, तो ये देखिए रीस्टोर यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, ओवरराइट द इंफॉर्मेशन, मैं कहता हूँ यस, फिर पासवर्ड मांगेगा, जो भी पासवर्ड हमने लगा रखा है तीनों में अलग अलग मांगेगा, यस, फिर पासवर्ड मांगेगा, ठीक है, नंबर टू, क्योंकि कंपनी नंबर टू यहाँ पे है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मांग रहे हैं तीन कंपनियाँ, इसीलिए, ठीक है, एंटर दबाएंगे, फिर ये लास्ट जो हमारा तीसरा कंपनी है उसके बारे में पूछ रहा है पासवर्ड, अब ये हमारा बैकअप रिस्टोर भी हो गया, कहने का मतलब जो है ये बैकअप भी हो गया और रिस्टोर भी हो गया। बैकअप कैसे लेते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया स्टेप बाय स्टेप, अलग अलग कंपनी का था तो सारे कैसे लेते हैं और रिस्टोर कैसे करते हैं तीनों कंपनी का, वो भी हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो दोस्तों, आपने देखा कि बैकअप और रिस्टोर कैसे करते हैं टैली के अंदर, तो आपको ये बैकअप और रिस्टोर जो हमने करके दिखाया स्टेप बाय स्टेप, तो आपको समझ में आया हो और थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो
इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे बढ़िया सा टॉपिक लेके। तब तक लिए ओके, टाटा बाबा, मध्य मतलब वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। ओके बाबा, टेक केयर।